बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और जिनका जनवरी वाला मासिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, तो आप जानते हैं आज था आपका फिजिक्स का और उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर समाप्त हो गया है। अब है नेक्स्ट दिन आपका जो पेपर होने जा रहा है मैथ का, और जो छात्र बायोलॉजी लिए होंगे उनका बायोलॉजी का एग्जाम होने जा रहा है। तो मैथ का पेपर होगा मात्र आपका मैथ का पेपर, उसके बाद आपका बायो का पेपर आपका शेष बच चुका है, और उसके बाद आपका हिंदी इंग्लिश का पेपर होगा अगले दिन। तो अभी की इस वीडियो में मैंने आपको मैथ का जो आर्ट्स वाले स्ट्रीम का और साइंस वाले स्ट्रीम का जो एग्जाम होने जा रहा है उसका मैं वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ गया हूं। तो इसी प्रकार के इसी लेवल का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लास 11th वाले परीक्षार्थी का आप यहां पर बिल्कुल देख सकते हैं, आपके लिए हूबहू वायरल प्रश्न पत्र की चर्चा करते हैं। सेक्शन ए में आपको यहां पर देखेंगे मैथ का है, मैं आपको मैथ का पूरे प्रश्न को बताऊंगा। सेक्शन ए में आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को चर्चा करेंगे जिनमें से किन्हीं 25 का उत्तर आपको देना है, लेकिन मैं यहां पर 30 का उत्तर आपको बताऊंगा। तो क्लियर आप समझ चुके हो परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो अगर आप एग्जाम में गए होंगे आज तो आप देखे होंगे कि आपका 50 मार्क का आपको एग्जाम होने जा रहा है, 1 घंटा आपको 30 मिनट का आपको समय दिया जा रहा था, तो इसी ना आपका समय था। और उसके साथ साथ साइंस अगर आप लिए होंगे तो आपका विषय कोड 131 रहने जा रहा है, और वहीं पर अगर आप आर्ट्स लिए होंगे तो आपका विषय कोड 327 होने जा रहा है। तो आप क्लियर समझ चुके हैं। आप यहीं पर देखिए यह आपका जनवरी वाला मासिक परीक्षा का वायरल प्रश्न पत्र है। चलिए एक ना प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करने से पहले आपको 2 या 3 चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आपको वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के आपको क्या कर देना है, शेयर कर देना है, ताकि आप जानते हैं हर एक मंथ आपका मंथली वाला एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है, उसमें हर एक मंथ आपको इस एग्जाम के में हेल्प मिलता रहे। तो चलिए उस क्रम में भी आपका इस अगले मंथ में जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी आपको हेल्प मिलेंगे। तो चलिए एक नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, वायरल प्लस मंथ की चर्चा कर रहे हैं। चलिए एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, a+x^n के विस्तार के r+1 का वापद पूछ रहा है गुरु जी, तो सीधे सीधे फार्मूला पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी में इसका ओवर फार्मूला आप निकालेंगे। दो नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 1+xn के विस्तार के कुल पद की संख्या पूछ रहा है गुरुजी, तो दो नंबर प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए ऑप्शन डी, अर्थात कि n+1 सीधे पूछा गया है। चलिए तीन नंबर प्रश्न का उत्तर, विस्तार का चौथा पद पूछा गया है, तो चार नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही अर्थात कि ऑप्शन, यहां पर देखिए इसका ऑप्शन इसका आंसर निकालने पर 280x^4 आता है, लेकिन x^3 है, तो यह उत्तर आपका बिल्कुल गलत है, इसीलिए तो यहां पर दिया गया इनमें से सभी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, इसका उत्तर आपको क्या करना है डी में आपको मार्क कराना है। चलिए चार नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, यहां पर देखिए परम्यूटेशन पूछ रहा है गुरु जी 0 का, तो 0 का कितना होगा, तो चार नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही 1 हो जाएगा। पांच नंबर प्रश्न का उत्तर NCR बराबर होता है, तो कितना परम्यूटेशन के बराबर होता है, तो पांच नंबर प्रश्न का उत्तर आपको देना है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, छह नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, NCO... होता है तो कितना होता है, तो NCO... के लिए आपको कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। छह नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए ना अर्थात कि 0 ना, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न की ओर चलते हैं, सातवां प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पर परम्यूटेशन पूछा है 2+3 × तक कैसे, तो 2 × 1 तो कितना हो जाएगा 2, फिर वहीं पर आपके 3 × 1 तो कितना हो जाएगा 3, तो अब एक अगर आप 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका, तो आपका 3 × 5, और उसके बाद आपको क्या प्लस गुना में लेना है गुरु जी, तो यहाँ पर निकाल लेंगे, तो आप अगर 3 और 2 को तो कितना आ जाएगा 2 × 4 और 3 × 7 और 1 × 8, तो कितना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं, प्रश्न क्या कर आपसे, नौवां प्रश्न, यदि f = x²+2x और यहां पर देखिए x × r है, तो fr का परिसर निकालने के लिए बोल रहा है, रेंज पूछ रहा है आपसे, तो नौवां प्रश्न का उत्तर सीधे-सीधे आपको उत्तर बताने जा रहा हूं, इधर मैथ है तो इसमें विस्तार में समझने के प्रयास में सीधे-सीधे आपको उत्तर बताने जा रहा हूं। नौवां प्रश्न का उत्तर हो जाए ऑप्शन डी अर्थात की 2, और यहां पर देखिए बताया गया कहाँ है ऑप्शन डी 2 − 8 σ यहाँ है, तो ऑप्शन डी में। अगला नौवां प्रश्न की ओर चलते हैं, दसवां प्रश्न क्या कर आपसे, 3 × −2 × परम्यूटेशन पूछ रहा है गुरु जी, तीनों का परम्यूटेशन करेंगे तो दसवां प्रश्न का उत्तर क्या निकलेगा, तो बिल्कुल सही इसका उत्तर निकल जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात की 25 °·38/10। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, बारहवां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यदि इतना tan θ a 1/2 हो और tan b मान इतना हो, तो α+β का a+b का मान बोल रहा है आपसे निकालने के लिए, तो बारह प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए ऑप्शन डी अर्थात कि π/4। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, cos θ1 और cos θ2 और cos θ3 हो, तो cos 179° का मान पूछ रहा है गुरुजी, 179° का मान कितना होगा, तो बिल्कुल सही 13वां प्रश्न का उत्तर जिसका उत्तर ऑप्शन बी आ रहा है 0, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, sin 50° sin 70° sin 10° का मान के बराबर होता है, तो 14वां प्रश्न का उत्तर राइट क्या होगा, तो ऑप्शन बी अर्थात कि 0। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, iota 7 का मान क्या होगा, तो iota 7 का मान पूछ रहा है गुरुजी, 15वां प्रश्न का
करेक्ट आंसर हो जाएगा आई माइनस आयोडा ऑप्शन सी। अगला 16 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ए प्लस प्लस वन बी आयोडा, बी प्लस वन प्लस आयोडा, वन माइनस आयोडा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है आपसे। तो 16 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरु जी ऑप्शन ए अर्थात की वन। अगला 17 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यदि यदि टू माइनस टू तो रूट अंडर टू हो तो वन माइनस रूट अंडर 24 एक्स प्लस वन वाई के आयोडा का देन पूछ रहा है। तो 17 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात कि एक्स बराबर 8/5 वाई प्लस 1/5 कहाँ है, तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या चलिए 17 प्रश्न हो चुका है, 18 प्रश्न की ओर आते हैं। 18 प्रश्न क्या कर आपके, यह वीडियो आपके लिए काफी खास होने जा रहे हैं वाले हैं क्योंकि आप कल के एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो चलिए 18 प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 प्रश्न क्या कर आपसे, एन बराबर पी बाई एन, तो बाई एन बराबर पी एन बाई माइनस टू होगा तो आप कितना होगा, तो यहाँ पर कितने का वैल्यू, यहाँ पर क्या पूछ रहा है देन वैल्यू ऑफ एन का, एन का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको याद होना चाहिए 18 प्रश्न का उत्तर, आपको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर निकलेगा 1/-2, सीधे सीधे आपका फॉर्मूला है आपके यहाँ पर पूछा गया है। चलिए 19 प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 19 प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, यदि पी एक्स 5 = 0 और पी एन के बराबर 3 तो एन बराबर एन बाई 5 तो 0 तो पी 3 देन एन पूछ रहा है। तो 19 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थात पी ए। 20 नंबर प्रश्न परमिटिविटी पूछ रहा है आपके, तो यहाँ पर देखिए रूट 3 प्लस अंदर रूट आपका 2 का क्यू पूछ रहा है गुरु जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बउआ भी जानता है 32 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, एक्स इंटू प्लस वाई के अंदर रूट वाई के विस्तार पद का मान पूछ रहा है, 7th टर्म पूछ रहा है आपसे। तो आपको यहाँ पर निकालेंगे 21 नंबर प्रश्न का उत्तर, तो विस्तार में तो ऑप्शन बी निकलेगा 210 एक्स स्क्वायर और बाई वाई के क्यूब कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर। 22 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x के विस्तार 8 पद का गुणांक पूछ रहा है आपसे। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अर्थात की 210। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 0 इंटू 1 यहाँ पर परमिटिविटी पूछ रहा है आपसे प्लस 0 इंटू अंडर रूट 2 तो आप किसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात की 0। गुणांक श्रेणी में एनवा पद का योग जब आर बराबर 1 हो तो टर्म ऑफ जीपी यहाँ पर पूछ रहा है आपसे जीपी निकालने के लिए। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात की ऑप्शन ए पर ही आपका सीधे सीधे यहाँ पर फॉर्मूला पूछा गया। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 1+2+3 हो तो एन बराबर, तो एन बराबर, तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कल के अगर आप एग्जाम में देने जा रहे हैं तो आपके लिए वायरल प्रश्न पत्र। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रूट अंडर परमिटिविटी पूछा है 2 का और 0 का होल क्यूब आपको निकालना है, तो कितना निकलेगा, तो 2 का और 0 का होल क्यूब निकालना है, तो आपको यहाँ पर निकालेंगे। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात की 9। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है आपसे, 2sin(θ + c + d)/2sin(θ)(d-c)/2 तो कितना के बराबर होगा, तो यह बराबर हो जाएगा आपका 28 नंबर प्रश्न का उत्तर, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात की सीधे सीधे 1। फॉर्मूला पूछा गया आगे, यहाँ पर sin थीटा से 3 प्रश्न है, तो यह कितना का मान होता है, तो आपको याद होना चाहिए 28 नंबर प्रश्न का, तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका sin(c - sin)d। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर पूछा है, तो 29 नंबर प्रश्न का sin(3) का मान कितना का होता है, sin(3) का ए कितने का मान होता है, 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए का अर्थात कि 3sin(a + 4sin)³a। अगला 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 1+cos(2θ) के बराबर कितने के बराबर होते हैं, तो 2cos²θ के बराबर होते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको 30 का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को चर्चा कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव लेकर आने जा रहा हूँ। तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देना है। अगर आपको कल के एग्जाम से पहले ही आपको पेपर लेना है तो यह आपका वायरल पेपर था, लेकिन कल के एग्जाम से जो आपका पेपर मिलेंगे वह बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र कहाँ पर मिलेंगे और उसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे बेहद आसान है, उसे कैसे आप प्राप्त कर डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख रहे होंगे टेलीग्राम का, व्हाट्सअप चैनल का, उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आसानी से इसका PDF और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो इतना कार्य कर लीजिए, तब तक के लिए आपको इतना कार्य कर लेना है, जल्दी इसका सब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आने जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सभी को इतना कार्य देख लीजिए, मैथ का एग्जाम का जो आपका जो वायरल प्रश्न का चर्चा मैंने कर लिया, तब तक के लिए इतना कार्य करिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।